अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जायका है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ जायका है। आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले। उसकी हमने ये सब तैयारी की हुई है। ये हमने छोले बॉईल करें, ये पतीली भर के हमने पानी रखा था, 2 घंटे के लिए बॉईल किया। इसमें सिर्फ नमक डाला है हमने, नमक डाल के इनको हमने बॉईल कर लिया है और ये गल गए हैं, ये गल गए हैं ये छोले। ये देखें गल चुके हैं। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है। हमने छोले बॉईल किए तो उसमें भी हमने नमक डाला है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ये क्रश चिल्ली, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 2 चमचे कॉर्नफ्लोर है, ये हम इसमें पानी में घोलते हैं। ये पानी में घोलेंगे। इससे पहले हम ये आपको दिखाते हैं, ये गोल मिर्चें हैं, साबुत धनिया है और ज़ीरा है। ये 8-10 अदद ये मिर्चें हैं गोल, और 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। इस मसाले में से हमें 1 टेबल स्पून हमें इसमें डालना है। इसके घास बहुत उड़ती है, आप जल्दी जल्दी काम करें स्पीड से। ये कॉर्नफ्लोर हमने ये घोल के रखा था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर के डालने से इसमें थिकनेस आती है, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर हम छोले डालते हैं इसके अंदर। ये देखें ये ठीक हो गया है। अब हम ये छोले इसमें शामिल करेंगे। एक टीस्पून हमें सिरका डालना है, हरी मिर्च हमें ऐसे कट करके डालनी है। हमारे बेटे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा मिर्चें, तो हम बस ये आधी डालेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं। ये हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार हैं, उनको हम डिश आउट करते हैं। ये हमारी सब तैयारी है, बिल्कुल सूप के लवाजमात होते हैं इसके अंदर। ये सिरके में भीगी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मसाला जो भी हमने ग्राइंड किया ये वो है, गोल मिर्चें, ज़ीरा और साबुत धनिया, और ये ग्रीन चटनी है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और 1 टमाटर है इसके अंदर, ज़ीरा। ये सब हमने ग्राइंड करके पहले से रख ली थी चटनी। ये है, ये चाट मसाला है, ये प्याज है, ये पापड़ी है। अब हम इसको आपको प्लेट बना के दिखाते हैं, जैसे बाज़ार वाले देते हैं प्लेट में निकाल के। ये छोले निकाले, मैं ये सिरका डाली मिर्चें डालते हैं, ये मसाला डालते हैं, चाट मसाला अपने हसबे जायका डालें जितना आपको खाना है, और ये ग्रीन चटनी। और आखिर में ये प्याज। और इसके बाद हम ये पापड़ी डालेंगे। आप लोग भी ट्राई करें घर में। ये हमारी प्लेट तैयार है खाने के लिए। आप लोग भी ट्राई करें घर में, अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाले मेहमानों के लिए तैयारी करके रखें।
काठियावाड़ी छोले पसंद आएंगे उनको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये वीडियो देख के आपके दिल में क्या ख्याल आया है तो कमेंट्स कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरा कुकिंग का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और शेफ मुनव्वर अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।